हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट ईयर द हीरो बाय आर के नारायण इस समरी लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी, और यदि फ्रेंड्स ये आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में यहाँ पर मैं कुछ समरी बताने जा रहा हूँ, जिनमें से एक पहले आपको समरी बता दी गई है, इसके बाद टोटल 6 चैप्टर के इसमें दिए हैं, तो 6 की समरी बताऊँगा जिनमें से आपके एग्जाम में एक समरी पूछी जाती है। तो बिना देर की जो मैं इससे शुरू करूं, इसके पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को यदि लाइक शेयर और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं M.P.Maina सर रटाते नहीं, सिखा देते हैं उसको। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं द हीरो बाय आर के नारायण। स्वामी इज 9 ईयर्स ओल्ड बाय लिविंग इन मालगुड़ी। स्वामी 9 साल का लड़का है जो मालगुड़ी में रहता विद पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, जो अपने माता पिता और दादी माँ के साथ मालगुड़ी में रहता है। हिज फादर रीड न्यूज पेपर आर्टिकल्स अबाउट द ब्रेवरी शॉप में बॉय एन 8 ईयर्स ओल्ड बॉय एंड फील्स दैट स्वामी शुड डू समथिंग सिमिलर। उसके पिता न्यूज पेपर और आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं, एक ब्रेवरी एक बहादुरी के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्ड बाय एन 8 ईयर्स ओल्ड जो 8 साल के बच्चे द्वारा बताई दिखाई गई एंड फील्स दैट, और वो चाहते हैं कि उनका बेटा स्वामी भी उसी के समान हो। स्वामी है द हैबिट ऑफ स्लीपिंग विद हिज ग्रैंड मदर आफ्टर लिसनिंग टू अ स्टोरी टॉल्ड बाय हर। स्वामी उसकी दादी माँ के द्वारा कहानी सुनकर उसे सोने की आदत बन चुकी है। दिस इरिटेट्स हिज फादर, इससे उसके पिता छुट जाते हैं। स्वामी हिज फादर देन चैलेंजेस, फिर स्वामी के पिताजी उसे चैलेंज करते हैं, चेतावनी देते हैं और रेदर फोर्स उस पर दबाव बनाते हैं हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस, तो उनके ऑफिस में सोने के लिए उस पर दबाव बनाते हैं। व्हेन स्वामी टेल्स हिज फ्रेंड्स, स्वामी जब अपने दोस्तों को बताता है ऑफ द ऑर्डील्स, जब अपने दोस्तों को बात बताता है तो हिज फ्रेंड्स वार्न हिम अबाउट अ गोस्ट लिविंग नियर द ऑफिस, उसके दोस्त उसको ऑफिस के पास में रहने वाले भूत के बारे में बताते हैं। व्हेन स्वामी स्लीप्स इन हिज फादर्स ऑफिस, जब स्वामी उसके पिता के ऑफिस में सोता है तो ही है नाइटमेयर अबाउट द गोस्ट एंड बैक्स अप विद हर स्टार, तो वह एक डरावना स्वप्न देखता है और वह घबरा कर उठ जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय स्वामी स्पॉट्स अन इंट्रूडर ब्रेकिंग इन टू द ऑफिस, और उसी दौरान स्वामी को ऑफिस में कुछ टूटने की चोर कार्यालय में आता, उसी दौरान टूट जाता है और उसी समय वहां कार्यालय में एक चोर आता दिखता है।
यहाँ पर दोस्तों इंट्रूडर माना चोर, ब्रेकिंग इन टू द ऑफिस, चोर आता दिखता है, मिस्टेकिंग हिम फॉर द गोस्ट, गलती से वह उसे भूत समझ रहा था। स्वामी ग्रैब्स द इंट्रूडर्स लेग एंड एल फॉर हेल्प, और वह उसे भूत समझकर उसका पैर पकड़कर उसे काट लेता है और शोर मचाता है। द मेंबर्स ऑफ द हाउस रश इनसाइड द ऑफिस एंड कैच द इंट्रूडर, घर के सदस्य वहाँ पर ऑफिस में आ जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। द पुलिस टेल स्वामी दैट द इंट्रूडर वॉज अ थीफ वॉन्टेड बाय द पुलिस एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, और पुलिस उसे कहती है कि स्वामी वह चोर था, इंट्रूडर वह जो चोर था वॉज अ थीफ वॉन्टेड, एक वॉन्टेड चोर था, बाय द पुलिस कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, पुलिस के द्वारा उसे बधाई दी जाती है। द इंसिडेंट इज पब्लिश्ड इन द मालगुड़ी टाइम्स, और ये घटना मालगुड़ी टाइम्स में छप जाती है। तो फ्रेंड्स, मालगुड़ी टाइम्स यहाँ न्यूज पेपर, तो मालगुड़ी टाइम्स में ये घटना छप जाती है। लिटिल स्वामी इज सो स्केयर्ड आफ्टर द इंसिडेंट दैट ही स्टार्ट स्लीपिंग विद हिज ग्रैंडमदर अगेन, और स्वामी इतना भयभीत हो जाता है कि वह फिर से अपने दादी माँ के साथ में सोने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसकी समरी कंप्लीट हो जाती है, और अब मैं इससे रिलेटेड कुछ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के आपको आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर, हु इज द हीरो और हु इज द हीरो ऑफ द हीरो, हु इज द हीरो ऑफ द हीरो। तो दोस्तों, इस हीरो पाठ का हीरो कौन है? ऑप्शन ए स्वामी, ग्रानी, मदर, फादर। तो दोस्तों, आपने देखा कौन राइट आंसर इज स्वामी, तो ए आंसर होगा स्वामी। सेकेंड क्वेश्चन इज द लेसन द हीरो इज रिटन बाय, लेसन हीरो किसके द्वारा लिखा गया है? के राजा राय, बी आर के नारायण, सी मुल्कराज आनंद, डी नन ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स, राइट आंसर इज आर के नारायण। थर्ड, न्यूज हैज बीन रिसीव्ड अबाउट द प्राउड ऑफ अ बॉय, ए द प्राउड ऑफ अ बॉय, सेकेंड बी द कावर्ड ऑफ अ ब्लेज लैड, सी द ब्रेवरी ऑफ अ ब्लेज लैड, डी द स्टोरी ऑफ अ लैड। तो दोस्तों, द न्यूज हैड बीन रिसीव्ड अबाउट, इसके बारे में खबर मिली थी, तो द ब्रेवरी ऑफ अ ब्लेज लैड, गाँव के 8 साल के लड़के की बहादुरी की खबर प्राप्त हुई थी, प्राप्त हुई। द बॉय फ्लाइट अप ट्री वेयर ही स्टेड, वह लड़का फ्लाइट अप द ट्री, और पेड़ पर भाग जाता है, वेयर ही स्टेड जहां वह रहता है, हाफ ऑफ डे, फुल ऑफ डे, टू डे, वन एंड हाफ डे, आधे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए, या 2 दिन के लिए, और 1.5 दिन के लिए। तो दोस्तों, आंसर इज हाफ ऑफ डे। फादर वांटेड टू टीच टू हिज सन, उसके पिता अपने बेटे को क्या सिखाना चाहते थे? कावर्डिस, कायरता, करेज, साहस, स्ट्रेंथ, ताकत, ब्रेवरी, बहादुरी। तो दोस्तों, करेज, साहस,
बहादुरी हिम्मत होगी, हाँ करेज होगा, साहस से वो सिखाना चाहते थे, करेज उसे साहसी बनाना चाहते थे। सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्वामी हैड ऑलवेज स्लैप्ड बिसाइड हिम, स्वामी हमेशा किसके पास सोते थे, हिमसेल्फ ग्रानी मदर फादर, तो आंसर इज बी ग्रानी ग्रैंड मदर। सेवन नंबर, इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रानी और मदर लाइक अ बेबी, हू सेड दिस, पर दादी और माँ के पास सोना, बच्चों के लिए दादी और माँ के पास सोना कट डिसग्रेसफुल है, अच्छा नहीं है, ये किसने कहा, स्वामी, हू सेड दिस, स्वामी ग्रानी मदर और फादर, स्वामी ने कहा, माँ ने कहा, उसके पिता ने कहा, आंसर फादर, स्वामी के पिताजी ने कहा था, स्वामी फादर सेट डैश गैजिंग एट द न्यूज पेपर्स ऑन दिस लैब, श्योर सर्टनली मदर राइडर, आंसर इज स्टैनली। नाइन, हु टोल्ड ऑल द स्टोरीज टू स्वामी, तभी कहानियाँ स्वामी को कौन सुनाता था, तो टीचर ग्रानी मदर फादर, तो दोस्तों राइट आंसर इज बी ग्रानी मीन्स उसकी दादी माँ ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर टेन, अकॉर्डिंग टू स्वामी हिज फादर लुक्ड लाइक, स्वामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्वामी, स्वामी के अनुसार उसके पिताजी कैसे दिखते थे, एज ए टीचर गॉड गोस्ट गाइड, तो स्वामी के अनुसार उसके पिता एक गोस्ट के जैसे यानी कि भूत के जैसे दिखते थे। इलेवन नंबर, फादर वॉन्टेड हिज सन स्लीपिंग इन हिज, फादर उसके बेटे को कहाँ सुलाना चाहते थे, बेडरूम ऑफिस रूम लाइब्रेरी रूम हाउस, राइट आंसर इज ही ऑफिस रूम। क्वेश्चन नंबर 12, योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी, आपका ऑफिस रूम बहुत गंदा है, हाँ हो सकता है बग्स कॉकरोच स्कॉर्पियंस फाइल्स, तो राइट आंसर इज बग्स खटमल कॉकरोच स्कॉर्पियन बिच्छू या फाइल्स, तो राइट आंसर इज स्कॉर्पियंस इस बिच्छू। 13, हु विशेस दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, राइट आंसर इज स्वामी। क्वेश्चन नंबर 14, वन नॉइस डिड नॉट रीच स्वामी ईयर्स, दैट इज आवाज जो स्वामी के कानों तक नहीं पहुंची, दैट इज वह थी द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी के टिक टिक की आवाज, रशल ऑफ ट्री पेड़ के पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज, और स्नोरिंग साउंड्स खर्राटों की आवाज़, और मेलोडियस म्यूजिक साउंड और मेलोडियस संगीत की ध्वनि। 15, तो राइट आंसर इज मेलोडियस म्यूजिक साउंड। स्वामी हरिडली गॉट एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच अंडर द चेयर अंडर द टेबल, राइट आंसर इज अंडर द बेंच, स्वामी Suddenly got a spread his bed. स्वामी ने डर के कारण अपनी spread his bed अपने बिस्तर को बेंच के नीचे लगाया। In his night dream, who was chasing स्वामी? In his night dream, उसके रात के सपने में who was chasing स्वामी? स्वामी को किसने chase कर लिया था, पकड़ लिया था? Tiger, ghost मैन फादर, आंसर इज टाइगर। स्वामी सॉ अ मूविंग क्रिएचर्स इन द रूम, इट वॉज स्वामी ने
एक मूविंग करते हुए क्रिएचर को मैं देखा, इट वॉज बच्चा था, हिज शैडो स्कॉर्पियन अ मैन अ गोस्ट सी अ मैन, एक आदमी था दोस्तों। 18th IO something has bitten me, who said this? IO something has bitten me, कोई मुझे पीट रहा है, who said this? किसने कहा? स्वामी बर्गलर फादर, बर्गलर फादर सर्वेंट, आंसर इज बर्गलर। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू पोलिश स्काउट स्टूडेंट बॉय, हेडमास्टर ने कहा कि वह एक सच्चा था, कौन? स्काउट। व्हाट डिड स्वामी मदर लॉस, स्वामी के माने क्या खोल दिया? नेचर टेम्पर एंगर हैप्पी, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा धैर्य टेम्पर। द रिपोर्ट सेड दैट द बॉय हू फॉट विथ द टाइगर स्टेड ऑन द ट्री फॉर हाफ अ डे, व्हाई डिड ही डू सो, और पेपर में रिपोर्ट छपी है तो वह लड़का हु फॉट विथ अ टाइगर जो कि शेर से लड़ा, स्टेड ऑन द ट्री पर पेड़ पर रुका हाफ ऑफ अ डे आधे डेढ़ दिन, व्हाई डिड ही डू सो, उसने ऐसा क्यों किया? He wanted to watch the tiger from the top of a tree. Second answer, he wanted someone to kill the tiger. कोई चाहता था कोई टाइगर को मार दे। और he wanted to take rest for some time. See? D, he did not want to kill the tiger. Right answer is, he wanted someone to kill the tiger. कोई चाहता था कि कोई व्यक्ति उस टाइगर को मार दे। 22. Can you prove you have courage? Swami's father said it. It is. क्या आप साबित कर सकते हो कि आप साहसी हो? Swami's father said. स्वामी के पिता ने कहा. So it is. जिससे a joking मजाक में, a serious, a challenge as a चेतावनी और a command. Answer या command आदेश दिया. स्वामी विश्ड दैट द टाइगर हैडन स्पेयर द बॉय, विच मीन्स स्वामी चाहते थे कि टाइगर हैडन स्पेयर, टाइगर उसके ऊपर कभी छलांग नहीं लगाएगा द बॉय, विच मीन्स इसका मीन्स क्या है? आंसर इज ही डिड नॉट वॉन्ट द बॉय टू बी अलाइव, वह नहीं चाहता था बच्चा जीवित हो। He did not want the tiger to be alive. He did not want, वह नहीं चाहता था कि the tiger to be alive, कि tiger जीवित हो। He wanted the boy to be alive. वह चाहता था कि वह बच्चा क्या हो जीवित हो। He wanted the tiger to be alive. तो आंसर होगा दोस्तों, He wanted the boy to be alive. वह चाहता था कि वह बच्चा जीवित हो। नेक्स्ट, स्वामी टच्ड डैश इन द रूम इंस्टेड ऑफ ग्रैनी द वुडन लेग्स ऑफ द बेंच, स्वामी ने क्या टच किया? वुडन लेग्स ऑफ द बेंच, बेंच के पाव जो लकड़ी के बने पाव, हु सपोर्टेड स्वामी, स्वामी की मदद किसने की? हिज टीचर हिज ग्रैनी हिज मदर हिज फादर, राइट आंसर इज हिज मदर। व्हेन स्वामी वॉज स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन हु सपोर्टेड, जब स्वामी फिर से उसकी दादी के पास सोया तो उसकी मदद किसने की? हिज सर्वेंट हिज ग्रैनी हिज मदर हिज फादर, राइट आंसर इज हिज मदर। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इन ऑर्डर टू स्टील, हाउस ब्रेकर गिव वन वर्ड, बगलर अ बगलर, वह व्यक्ति जो उसके घर में घर तोड़ कर घुसा था उनका बगलर थी पर अ बगलर। व्हाट वाज शॉप ऑफ स्वामी नेक्स्ट डे, अभी जेन
anger, congratulation, temper. Right answer is congratulation. तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।